जय श्री राम भक्त जनों, प्यारे भक्तों, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतना दूंगा आप संभाल नहीं पाओगे। प्यारे भक्तों, हर कोई चाहता है कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले, लेकिन परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि आप ये काम करो। तो वो किस काम को करने के लिए कह रहे हैं कि जिससे वो इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। प्यारे भक्तों, सिर्फ एक ही काम इस तरह का है जिसके करने से आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। प्यारे भक्तों, वह काम है भगवान का भजन, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, क्योंकि दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ है और इसी से सब कुछ पाया जा सकता है, और इतना मिलेगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। वास्तव में ऐसा होता है। एक कहानी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि एक भक्त था और उसके फादर ने कहा, बेटा मुझे ये चीज़ ला के दे दो तो मेरा सारा काम बन जाएगा। तो उसने कहा, पापा आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे जो है ना 1,00,000 रुपये चाहिए, मेरे पे कर्जा हो रहा है तो वो कर्जा मेरा पट जाएगा। तो भक्त ने सोचा, मैं 1,00,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा। बस उसने क्या काम किया भक्तों, वो बैठ गया, अपना ध्यान लगाया और भगवान का सुमरण करने लगा, और भगवान का सुमरण करते करते उसको सुध नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो देखते हैं तो क्या होता है कि उसको 1,00,000 की जगह और उसको 5-10 लाख रुपए और उसके पास इकट्ठे हो गए। वो क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि उसका विश्वास था भगवान के ऊपर, उसका जो सुमरण का तरीका था वो इस तरह का था, वो उसने अपने अंदर अनन्य भक्ति को स्थान दे दिया, यानी कि परमात्मा के सिवाय उसने कोई विचार अपने मन में रखा ही नहीं। तो परमात्मा ने उसकी तुरंत पुकार सुनी और उसको 5-10 लाख रुपए और वहीं पर रख दिए। तो जब उसकी आंखें खुली तो देखता है ये 5-10 लाख रुपए इकट्ठे हैं, ये कहाँ से आए, किसने दिए? तो भगवान का, परमात्मा का ये चमत्कार होता है अपने भक्त के लिए। वो थोड़ा मांगता है और वो इतना देता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि इतना कैसे दे दिया। तो प्यारे भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भगवान का अनन्य भाव से जो चिंतन करता है, अनन्य भाव का मतलब है केवल उस भगवान का चिंतन करता है और किसी का चिंतन नहीं करता है। जिस समय हमारे मन के अंदर केवल परमात्मा का विचार होता है और अपना और कोई विचार होता नहीं है, तो तुरंत भगवान उसको इतना देता है कि वो संभाल नहीं पाता है। तो प्यारे भक्तों, भगवान ने उसको इतना दिया कि 1,00,000 की जगह उसको 10,00,000 दे दिए, और भक्त जो है इतना खुश हुआ कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, पापा 1,00,000 मांग रहे थे, भगवान ने आपको 10,00,000 रुपये दिए हैं, ये आपके लिए है, और आप जो है ना अपना जीवन खुशहाल रखो। और लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं भजन ध्यान करता हूँ, तो भक्त ने, पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हे परमात्मा, तूने मुझे तो दिया है, और मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे पिताजी को भी, मेरे पिता को भी इस तरह का ज्ञान दो ताकि वो जो चाहे उनको मिलता रहे। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, जो एकाग्र मन से करते हैं, जो अनन्य भक्ति यानी और किसी का भरोसा नहीं करते, केवल भगवान का भरोसा करते हैं, उनको भगवान इतना देते हैं कि वो संभाल नहीं पाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस तरह से भजन ध्यान कीर्तन करें और अनन्य भक्ति के साथ करें, तो आपको वो मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से भक्ति करेंगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री